कल्पना जी अरे गाना सुन लो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है तुम बुलाओ अब आइए आपके तरफ एक गीत जा रहा है मेरी तरफ से सवाल है गीत ध्यान दीजिएगा बहुत ही चर्चा पिता करने लगी है बस ये दिखाया गया है कि इस धारा पे सबसे प्रथम शक्ति की उपासना किसने की आइए कहना है ध्यान दीजिएगा बेटा आराम से चलो बहुत तेज ना चलो स्पेक्स बन रहा है अरे शक्ति की पूजा का कारण मिल रहा शक्ति की पूजा का कारण मिल रहा अरे मायापति सोए पूजा का कारण मिल रहा परेशान ना होइए बार बार बोलूंगा आप गाना पूरा लिख लीजिए शक्ति की पूजा का कारण मिल रहा और मायापति यानी भगवान विष्णु जी मायापति सोए निवारण मिल रहा शक्ति की पूजा का कारण मिल रहा क्यों पूजी जा रही है माता कहना है शक्ति की पूजा कारण मिल रहा पहली बार कहने जा रहा हूं चैत्र पंछी निप सुरत सूरत जब जीते कोलों से नहीं चैत्र बंसी निप सूरत जब दुर्गा सप्तमी प्रथम अध्याय गाइए चैत्र बंसी निप सूरत जब जीते कोलों से चैत्र बंसी निप सूरत जब जीते कोलों से नहीं पृथ्वी का साम्राज्य छूटा जीते पृथ्वी का साम्राज्य छूटा और संभल पाते नहीं तब देखिए क्या होता है आइए
दूसरी बात बता रहा हूँ, बताना दीजिएगा। कुछ तो देखे रात में भी, कुछ तो देखे रात में भी, कुछ को दिन दिखता नहीं। ऐसा कोई जीव कह दो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई जीव कह दो जिसमें माया हो नहीं। क्या बात है, वेरी गुड। कुछ तो देखे रात में भी, कुछ को दिन दिखता नहीं। आइए दादाजी, कुछ तो देखे रात में भी, कुछ तो दिन दिखता नहीं। ऐसा कोई जीव कह दो जिसमें माया हो नहीं। और अब माया की महिमा वर्णन मिल रहा है। कल्पना जी ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद माया की महिमा, माया की महिमा का वर्णन मिल रहा। आइए तीसरी बात, विष्णु की माया है जिनसे, कुछ पुरस्कार आए हैं, पूरा कानून फिर बोलूंगा और आप लोग लेकिन पुरस्कार देते रहिएगा। आई ना हो कि ना बोला जाता फिर। विष्णु की माया है जिनसे, वो है माया विष्णु की। विष्णु की माया है जिनसे, वो है माया विष्णु की। साधना साधक की है, ध्यान दीजिएगा आदमी सोनू दादा जी, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कीर्तन सुन आप लोग। विष्णु की माया है जिनसे, वो है माया विष्णु की। साधना साधक की है, बंदना बंदन वही। तब आइए चौथी बात, ये पुरस्कार तो बोलना ही पड़ेगा। परम आदरणीय सम्मानीय दादा श्री एस के सैनी जी, जो कीर्तन के जौहरी हैं, दादा जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हम बच्चों को प्रेषित हैं, आशीर्वाद की कामना है। आइए चौथी बात बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, बताइए और क्या है। माँ की महिमा जान कर, रैंक भैया बहुत बड़ा ग्रंथ है, माँ की महिमा जान कर, माँ की महिमा जान कर, शक्ति नौ संचित हुई। हम गीत गाए जा रहे हैं, अगर समझ में ना आए तो फिर मेरा गाना बेकार है। राजा सूरत के मन में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो एक ही घाट पे शेर और हिरण दोनों पानी पी रहे हैं, और फिर उनको ये कथा बहुत लंबी कथा उन्होंने सुनी, और जब माँ की महिमा का ज्ञान उनको हो गया तो देखिए बात होती क्या है। माँ की महिमा जान कर,
महिमा जान कर सतनो संचित हुई तब माँ की महिमा जान कर सतनो संचित हुई राजा सूरत के मन में बस गई तो देखिए होता क्या है। तेरा अध्यायों की गाथा सूरत मन में बस गई तब शक्ति पूजा शक्ति पूजा हे शक्ति पूजा से संरक्षण मिल रहा शक्ति पूजा से संरक्षण मिल रहा मायापति सोया ये पांचवी बात और अंतिम बात ध्यान दीजिएगा। अतिशक्ति रूप नवधारा अतिशक्ति रूप नवधारा नौ दिनों पूजी अतिशक्ति रूप नवधारा नौ दिनों पूजी गई रूप नवधर आदिशक्ति रूप नवधर नौ दिनों पूजी गई और खंड 51 जो माँ के टुकड़े हुए विष्णु जी के चक्र से आदिशक्ति रूप नवधर नौ दिनों पूजी गई सम्मानीय दादा श्री सूरज जायसवाल जी बहुत ही अच्छे आप श्रोता हैं और हम लोगों के सच्चे अभिभावक हैं और अच्छे अभिभावक हैं। 51 रुपए प्रदत्त हैं और कुछ सूचना भी है। संकीर्तन का आयोजक अच्छा सूरज जायसवाल जी शुक्ला जी संकीर्तन आयोजक श्री माँ मन पूर्णा मंदिर राजाजीपुरम लखनऊ जी की तरफ से 51 रुपए और परम आदरणीय सम्मानीय दादा श्री एस की सहनी जी की तरफ से 101 रुपए हम बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप मिले थे। आइए और कुछ पुरस्कार आए हैं उसके बाद आपके सामने गोंडा की धरती से पधारी हुई बहुत ही अच्छी सक्षम कलाकारा सम्मानीय कल्पना आजाद जी श्री गोमेश्वर मेला समिति विशाल जवाबी कीर्तन दिनांक 12/11/19 मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं आज 5/6 12/11/19 दिन मंगलवार पार्टियां पूनम आजाद जी हमीरपुर राठ बहुत ही अच्छी कलाकारा और बहुत ही सुरीले कलाकार परम आदरणीय दद्दा श्री सुशील दिनकर जी प्रयागराज से और जिसमें मुख्य अतिथि रहेंगे
सांसद श्री कौशल किशोर जी, पूर्व पार्षद जफारा सिंह जी, राजपूत शक्तिधी दादाजी, रामू कश्यप जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक है अशोक कुमार गुप्ता और परम आदरणीय सम्मानीय दादा श्री छोटेलाल जो हमारे, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, शब्द नहीं मेरे पास, आज जो भी मैं गा रहा हूँ उनकी प्रेरणा का फल। और अच्छा 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 ओमी भैया, ओमी भैया आए नहीं, ठीक है। और दादा श्री एस के सैनी जी, पता पावर हाउस जेहटा मोड़ आईएम रोड दुबग्गा लखनऊ में कार्यक्रम होना है, पता एक बार और सुन लीजिए, पावर हाउस जेहटा मोड़ आईएम रोड दुबग्गा लखनऊ, जिसमें दिनांक है 12-11-19 दिन मंगलवार। और इस इतने लंबे पर्चे के साथ 201 पत्र मुद्राएं हमको प्रदत्त है, माता रानी ऐसे हम बच्चों पे अपनी कृपा इनके दिमाग में भरती रहे और हम बच्चों का प्रोत्साहन करते रहे। और भी कुछ पुरस्कार आए हैं, अच्छा दादा श्री प्रेमी किशन जी और जिनके रचनाकार हैं, बहुत ही सुंदर कलाकार, बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं श्री प्रेमी किशन जी जो लखनऊ से ही हैं, बहुत सुंदर गायक आप हैं। और राजेश कुमार सरल जी जो इस मंडल के रचनाकार हैं, इनके तरफ से दादा की तरफ से 51 रुपए प्रदत्त हैं, महामाई अंगसंग बनी रहे। और 21 रुपया छोटे भाई श्री पिंकी यादव की तरफ से प्रदत्त है, जो लगातार दोनों ही मंडलों को पुरस्कृत कर रहे हैं, महामाई अंगसंग उनके भी बनी रहे। और बहुत ही अच्छे कीर्तन श्रोता परम आदरणीय सम्मानीय छोटे भाई हैं, लेकिन सम्मानीय हैं, चूंकि जो आपको चाहे वो आपके लिए सम्मानीय होता है। अमरीश जी आप आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, कुछ दिक्कत हो गई आपको, अभी बात कर लेते हैं आपसे। आइए अब आपके सामने गोंडा की धरती से पधारी हुई बहुत ही सुंदर कलाकारा और सक्षम कलाकारा श्री कल्पना आजाद एंड पार्टी गोंडा, तब तक के लिए हमको इजाजत दें, फिर सेवा में उपस्थित होंगे। एक बार प्रेम से बोले जय माता दी, जयकारा सेवा बोल सच्चे दरबार की। हम दो कलाकार हैं, आपके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े कलाकार आप हैं, इसलिए आज आपको ध्यान देने की जरूरत है। माँ काल रात्रि का आशीर्वाद हम सभी को मिला है, क्योंकि आज 7वां दिन है मैया के नाम पर, सारी रातें हम यहीं पर बिता देंगे। मैया काल रात्रि के चरणों में बस प्यारे प्यारे भजन गाते जाएंगे। जैसा नाम वैसा काम, नीलेश ज्वाला नाम बहुत प्यारा है, नीलेश ज्वाला, मगर ज्वाला वाला काम भी दिख रहा है, कुछ नहीं बड़ा। भैया जी कह रहे हैं कि कल्पना जी तुम मेरी छोटी बहना तो हो, अब तुम दत्ता कह रही हो तो छोटी बहना तो हो ही, मगर जवाबी करने आए हैं, यानी कि भैया जी आपका कहने का मतलब है कि जवाबी करने आए हैं तो जवाबी कीजिए और दत्ता भैया सुबह देखा जाएगा। आप कह रहे बहना और भाई का प्यार सुबह देखा जाएगा, मगर इस में जवाबी करने आए हैं, सही बात है, आपने बता दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दत्ता जी एक बात बता दें, बता दो कि गम में हंसने रहने वालों में रुलाया
लेकिन बहन और भाई सुबह देखा जाएगा अभी जवाबी के मंच पर। चलो ठीक है बेटा, तो चलिए अच्छी बात है, जैसा कि आपने बता दिया है तो ठीक है, जवाबी के मंच पे आए तो जवाबी ही करेंगे। सुबह भैया कहेंगे आपको, चलिए कोई बात नहीं, आइए लेना है। हमने आपको एक बहुत ही प्यारा संगीत दिया था, क्या पहले समझिए फिर जवाब दीजिए, सुनिएगा कहना क्या है। कि द्वारी हमारे गीत में विरोधाभास लगा था, यानी कि लाल का अगर देखा जाए तो विरोधाभास काला होता है, यानी लाली माँ बन गई हो तुम और काली माँ बन गई हो तुम। लेकिन दत्ता जी मैंने अपने गीत में विरोध रंग भी दिखाया था, यानी लाल और काला, कि लाल माँ बन गई हो तुम और काली माँ बन गई हो तुम, लेकिन आपने क्या दिखाया, हमने इधर विरोधाभास बताया तो आप उधर समानता दिखा रहे, लेकिन ये कोई जवाब नहीं हुआ, क्योंकि अगर गीत में विरोधाभाव लगा हुआ तो विरोधाभाव से ही गीत बनता है। आपने अपने गीत में बताया कि पापी पे तार कर और भव से उतार कर और दया तीनों पे कर, उनका उद्धार कर और कर्म कर अपने कर्म, कर्म कर अपने कर और क्रूर को मार कर और तारणी बन गई हूँ माँ, हारणी बन गई हूँ। अभी बताइए कोई जवाब बन रहा है कि तारणी बन गई हूँ माँ और हारणी बन गई हूँ, तो दही बार बताऊ हारणी नहीं होता है संहारणी होता है, पहले इसको आप ध्यान दें कि तारणी नहीं होता है। अगर मैया के बारे में आप कुछ कह रहे हो तो कुछ अच्छा शब्द लाइए, क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि तारणी बन गई हो और हारणी बन गई, ये क्या है, कौन सा शब्द है, आप संधारणी बताते तो मजा आ जाता जवाब में। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप इस तरह लाते तो मजा आता, सुनिएगा कैसे कि हेमा जवाब सुन रहा, अरे अपने बिल्कुल यहाँ से जवाब सुन रहा था, लेकिन अगर जवाब ऐसा देते तो मजा आ जाते, सुनिए ना आप लोग भी कि है माँ अपने माता में
और हे माँ कि अपने अवतार में और इसी संसार में अगर आप कि श्वेतांबरी बन बन रही हो और श्वेतांबरी बन गई हो लेकिन आप ढूंढ नहीं पाए दादा, तब जवाब बनता कि श्वेतांबरी आप बन गई हो माँ और श्वेतांबरी बन गई हो, तब जवाब बनता। लेकिन आई जो भी है बहुत बढ़िया है, छोड़ो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने पहले बता दिया कि ये जवाबी का मंच है, बहन भाई सुबह होगा। हाँ 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 आप मैं भी भैया जवाबी ही करूँगा, करेंगे ना जवाबी, देखा जाएगा आज, क्योंकि दादा जी रिश्तेदारी जैसे आप सुबह जोड़ेंगे ऐसे हम भी जोड़ना चाहते हैं, रिश्तेदारी सुबह आई है गीत की ओर चलते हैं। गीत भी गा रहे हैं तो जैसे सुपर फास्ट गाड़ी चलती है ऐसे गीत गा रहे हैं, लखनऊ से छोटी है तो गोरखपुर, अच्छा हड़बड़ 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 हड़बड़ी का है मचा प्रेम से वाणी प्रेम से गाने वाले गीतों को प्रेम से गाइए कि मजा आ जाए, सुनने भी अच्छा लगे, श्रोताओं को भी अच्छा लगे। आइए गीत को पहले सुनिएगा, सुनो दादा सुनो समझो सुनो ढूंढो, जितने भी श्रोता बंधु बैठे भैया सब जानते हैं क्योंकि यहाँ पर एक से एक विद्वान बैठे हैं, बहुत कलाकार आए हैं दादा, आपने भी गीत को गाया, अब आइए मेरी तरफ से गीत को सुनिए। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, जैसे आप कह रहे थे कि हे कल्पना अंतरा सुनिए अंतरा, तुम बुलाओ मैं नाऊं, तुम बुलाओ मैं नाऊं ऐसा हर जाएं, जैसे आपने कहा कि अगर आप बुलाएंगे कल्पना जी तो मैं जरूर आऊंगा, कौन आप सुन
यानी कि आप भी अगर हमको बुलाएंगे तो हम भी आपके पास दौड़ जाएंगे, क्योंकि एक भाई बहन का प्यार बहुत ही अनोखा प्यार होता है। ना कहो ना बोलिया सुबह कहना, लेकिन आप आएंगे मैं तो आ गई। आज आप ही लखनऊ प्रॉपर में मैं आ गई हूँ। अब आप पता नहीं कब आएंगे, वो बात अलग है, मगर मैं आ चुकी हूँ, इसलिए कहना है डालो तुम बुला। इसलिए कहना है सब्जी प्रकृति तो साकाम्बरी कहलाई।
उनकी माँ शाकंभरी ने साग सब्जी फल सब कुछ दिया। जब दुर्गम और वही माँ जब दुर्गम का वध किया वही माँ दुर्गा कहलाई। तो आइए जवाब वहीं से सुनिएगा सर, क्योंकि जवाब वहीं पर बनना है जब सटीक जवाब आइए लेना क्या है। क्योंकि माँ की उत्पत्ति रोने से हुई है। कहना है कि नवरात पूजा का कारण मिल रहा रहा। पहली बार आइए सुनिएगा तो कहना पड़ा कि हे मां कहना है नौ दिन वाला तेरी बाण, नौ दिन वाला
दरबार की जय। महामाई के प्यार की जय।